हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवानी, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज नया एक ब्लॉग लेके आ रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। वो ब्लॉग है, एक जगह पे गणपति पूजा है उल्वे में, तो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। किसके लिए पूजा है, क्या है, मैं वो लोग के पास से आप लोग को सुनाएंगे। और मैं वहाँ पे पानी का बॉटल, वहाँ पे आज भोग का आयोजन किया है, तो मैं सोचा मेरा चैनल के तरफ से मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ क्या, देखती हूँ। तो मैं ये पानी का बॉटल, देखिए पानी का बॉटल लेके मैं अभी मंदिर जा रही हूँ। तो चलिए, क्या क्या वहाँ पे होता है तो आप लोग के साथ सब शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जैसे दूसरे को हेल्प करते हैं वैसा मुझे भी थोड़ा हेल्प कीजिए। जैसे सब लोग आशा लेके आते हैं, मैं भी थोड़ा आशा लेके आई हूँ यूट्यूब में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपले आप तो मित्र सगळ्यांना बोलवलं आणि आपल्या ज्ञानाप्रमाणे कथन केल्याप्रमाणे श्री सत्यनारायणाचे कोणते फळ प्राप्त झाले त्याबद्दल ते मला कथा सांगा। आणि हे व्रताजी जंगलामध्ये गेला, लाकडं गोळा केली, नगरामध्ये गेला आणि परमेश्वराच्या कृपाशीर्वादाने नारायण द्वितीयोध्याय समाप्त। हरे नमो हरे नमः। कुंडलीक वरदे हर विठ्ठल पार्वती फिरतात त्यावेळी आपण म्हणतो की साडेसाती चालू झाली। काय ज्यावेळी परमेश्वर आपल्याकडे पाठ फिरवतात त्यावेळी आपण म्हणतो की आपली साडेसाती, आपले कर्म असतात जसं आपण वागतो नियती आपल्याला त्या पद्धतीने फळ देत असतो। म्हणता म्हणता साधू आणि जावयाला घेऊन वेगवेगळ्या नगरात जायला लागतो, उत्तम असा व्यापार चालू होतो आणि व्यापार सुरू असताना परमेश्वर म्हणतात हा साधू आणि काही सुधरत नाही, याला चांगलं शासन केलं पाहिजे, दंड दिला पाहिजे। आणि म्हणून या खेळ सुरू कामिकाकडे बघतात आता काय करायचं। आप लोग जो ये पूजा कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं, तो वो बारे में थोड़ा आप बताइए। नमस्कार, आम्ही उल्वेकर महिला मंडळ त्यातर्फे आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आम्ही हा वर्धापन दिन, प्रथम वर्धापन दिन साजरा होत आहे आमच्या मंदिराला, पूर्ण आज पूर्ण एक वर्ष होत आहे, त्यामुळे आम्ही हा वर्धापन दिन साजरा करण्याचे ठरवलेले आहे आम्ही महिला मंडळ या आणि आम्ही उल्वेकर मित्र मंडळ असे मिळून हा आम्ही उल्वेकर यांना आमंत्रण सुद्धा देत आहोत की या वर्धापन दिनानिमित्त इकडे येऊन दर्शन घ्यावे और आणि महाप्रसादाचा लाभ घ्यायचा। थँक्यू। व्यवहार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सच्ची मैं दिल से बोल रही हूँ, ये लोग बहुत, ये मंदिर बहुत बड़ा होना चाहिए, मैं दिल से बोल रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा ब्लेसिंग दीजिए। आलेल्या सर्व भाविकांना नम्र विनंती की आलेला प्रमुख अतिथी सौ शिवाई शिवानी रॉय यांचा यूट्यूब चॅनल आहे, त्या चॅनलला टॅलेंटेड शिवानी या यूट्यूब चॅनलला सर्वांनी सबस्क्राईब करायचं आहे। आपल्या उल्वे नोड विभागाचे सर्व रहिवाशांना नम्र विनंती। इकडे बघा व्यवहार नेचर, मैं बोल नहीं सकती हूँ, दिल से बोल रही हूँ ये मंदिर बहुत बड़ा होना चाहिए। भगवान का अगर आशीर्वाद रहेगा तो जरूर बड़ा होगा। तो आप लोग भी थोड़ा मेरा चैनल के लिए दुआ कीजिएगा, मेरा चैनल भी थोड़ा सा, सब लोग आता है कोई आशा लेके, मैं भी आई हूँ यूट्यूब में एक आशा लेके, तो मेरा भी आशा पूर्ण करना चाहिए। तो आप लोग प्लीज देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम।
अभी हम घर पे आ गए हैं, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हुआ नहीं है, छोटा सा ही है। मुझे वहाँ पे ये शॉल देके वेलकम किया है और नारियल देके, तो मैं ये बहुत संभाल के रखने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, ये देखिए शॉल, तो मैं ये बहुत प्यार से संभाल के रखूंगी। सच्ची मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। हाँ ठीक है ना, प्लीज आप लोग देखिएगा वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज प्लीज। उधर गए तो मुझे इतना अच्छा लगा, वो लोग का भी व्यवहार बहुत अच्छा है सच्ची। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो टाटा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट।